वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे के डी ई एल सीक्वेंस और के के एक्स एस सीक्वेंस। ये दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पर? आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जितने भी रेसिडेंट प्रोटीन्स हैं उनमें। तो हमको डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले ये समझ लीजिए कि दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक होते हैं रेसिडेंट प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं कि एक्सपोर्ट्स प्रोटीन्स। ये पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो एक्सपोर्ट्स प्रोटीन जो रहते हैं वो एक्सपोर्ट के लिए होते हैं, बाहर सिक्रीट कर दिए जाते हैं ये, जो कि गॉल्जी बॉडीज़ को दिए जाते हैं या फिर लाइसोसोम्स को दिए जाते हैं या फिर सेल के बाहर कम्प्लीटली भेज दिए जाते हैं एज अ सिक्रीटरी प्रोटीन। लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ बात करेंगे रेसिडेंट प्रोटीन्स की, जो कि डेस्टिन्ड टू बी प्रेजेंट इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली। और यहाँ इनका फंक्शन जो रहेगा वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ही रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो दो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उन प्रोटीन्स में जिनको कि बाहर नहीं जाना है। और ये सीक्वेंस हमेशा प्रेजेंट रहेगा सी टर्मिनस पे। कभी भी हम लोग प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर व्हाट? पॉलीपेप्टाइड्स। और पॉलीपेप्टाइड्स किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। तब जब अमाइनो एसिड्स ये एक चेन बनाता है तो उसमें एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है, क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड तो इसमें दो पार्ट्स रहते हैं। एक अमाइनो पार्ट रहता है NH2 और एक एसिडिक पार्ट रहता है COOH। इसी की वजह से एक जब ये लॉन्ग चेन बन जाता है पॉलीपेप्टाइड का तो एक आपका एन टर्मिनल कहलाता है और दूसरा आपका सी टर्मिनल कहलाता है। अब ये जो आपका जिस तरह से हम लोग DNA में देखते हैं 5' और 3', ये या फिर mRNA में एक सिंगल स्ट्रैंड में हम लोग देखते हैं 5' और 3', तो इसी तरह से इसकी भी पोलारिटी होती है, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सी टर्मिनल की। तो ये जो सीक्वेंस है, जो रेसिडेंट प्रोटीन में स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो उसके सी टर्मिनल में प्रेजेंट रहता है। और सी टर्मिनल में दो तरह के आपके यहाँ जो सीक्वेंसेस है वो प्रेजेंट रहेंगे। एक है KDEL जो कि स्पेशली फॉर द रेसिडेंट प्रोटीन्स रहते हैं, और दूसरा है आपका KKXX जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए रहता है। मान लीजिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो जितने भी आपके रेसिडेंट प्रोटीन्स अंदर हैं वो उनमें कौन सा सी टर्मिनस सीक्वेंस रहेगा? KDEL और ट्रांस मेम्ब्रेन। और जितने भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनमें KKXX सीक्वेंस रहेगा। और ये दोनों सीक्वेंस ये डिनोट करेंगे कि इनको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहना है और इनको सिक्रीट आउट नहीं होना है, इनको बाहर नहीं निकलना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। या तो वो ल्यूमन में रहेंगे या फिर मेम्ब्रेन में बाउंडेड रहेंगे, लेकिन जिस भी फॉर्म में रहे ये हमेशा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहेंगे। ये सीक्वेंस यही डिनोट करते हैं। ये दोनों सीक्वेंस अगर किसी भी प्रोटीन्स में प्रेजेंट हो इसका मतलब कि वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन है जिसको कि बाहर नहीं निकलना है। नाउ व्हाट इज KDEL? इसको समझने के लिए समझ लीजिए कि अमाइनो एसिड हैव एब्रिविएशन ऑफ देयर नेम। और अगर इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए आप K डिनोट्स लाइसिन, फिर उसके बाद है हमारे पास D, यहाँ D है, D इज़ फॉर एस्पार्टेट, उसके बाद E है, इज़ फॉर ग्लूटामेट, और L इज़ फॉर ल्यूसिन। तो अब आप समझ गए हैं, अगेन KKXX मतलब दो लाइसिन है और कोई भी दो दूसरे आपके उसमें अमाइनो एसिड हो सकते हैं। तो KDEL जो है इसका मतलब हुआ कि जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड ल्यूसिन, ये इस फॉर्म में ही रहेगा, KDEL के फॉर्म में ही रहेगा सी टर्मिनस पे। यानी ये अगर मान लीजिए आपका ये एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस है, तो सी टर्मिनस में आपका KDEL प्रेजेंट रहेगा ये सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस ये बताएगा कि इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहना है। नाउ द रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट।
इन केस मान लीजिए कि ये जो प्रोटीन्स थे जिनको यहाँ रहना था, ये किसी भी वजह से बाहर निकल जाते हैं और गॉल्जी बॉडी तक पहुँच जाते हैं, तो गॉल्जी बॉडी फर्दर इसको कहीं भी नहीं भेजेगा। ये समझ जाएगा कि ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन है, इसको वापस भेजना है। तो ये कैसे समझेगा, क्योंकि इसके पास भी एक KDL रिसेप्टर रहता है जो कि इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये रिसेप्टर है गॉल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन में जो कि रिसीव कर रहा है किसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस प्रोटीन को जिसमें कि KDL सीक्वेंस है। जिस प्रोटीन में KDL सीक्वेंस नहीं रहेगा या KK एक्सेस सीक्वेंस नहीं रहेगा, वो सारे प्रोटीन्स बाहर चले जाएंगे और दूसरे लाइसोसोम से दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन जिनमें KDEL या KK एक्सेस सीक्वेंस रहेंगे, वो इनको यहाँ पर ट्रैप कर लेगा और एक बहुत ही अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ इसको भेज देगा वापस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। इसका एक अलग वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर द रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि KDEL रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एक KDEL रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आपके गॉल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन में दैट रिकॉग्नाइजेज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ KDEL सीक्वेंस। नाउ सेम टाइप ऑफ सीक्वेंस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन फिर भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल कर ये सेल्स कभी कभी, ये प्रोटीन्स जो है वो कभी कभी बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ ड्यू टू द pH ग्रेडियंट। अब यहाँ देखिए, ये न्यूक्लियस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से जो आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं सेल में, और उसके बाद धीरे धीरे ये गॉल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स की तरफ जाते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी दोनों के पास KDEL के रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो pH है वो न्यूट्रल है और यहाँ जो pH है वो एसिडिक है, स्लाइटली लो pH रहता है यहाँ पर, यहाँ स्लाइटली 7 और 7 के आसपास रहता है, और ये धीरे धीरे यहाँ कम होता जाता है। तो इस तरह से लाइसोसोम्स में और कम हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि लाइसोसोम्स आर एसिडिक। तो ये जो pH ग्रेडियंट है ये डिसाइड करता है कि ये जो सीक्वेंस है, ये रिसेप्टर और सीक्वेंस का जो कॉम्बिनेशन रहता है यहाँ, या तो गॉल्जी बॉडी के साथ या तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, किसके साथ ज़्यादा होता है और किसके साथ कम होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूट्रल pH है और गॉल्जी बॉडीज़ में एसिडिक pH। तो KDEL सीक्वेंस का जो एफिनिटी है वो लो हो जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, क्योंकि इसका जो एनवायरनमेंट है वो न्यूट्रल है। और वहीं दूसरी तरफ KDEL हैज़ अ ग्रेटर बाइंडिंग, ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड करता है गॉल्जी ड्यू टू इट्स एसिडिक pH और लो pH। दैट्स वाई वो निकल जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन फिर भी इट इज़ ट्रैप्ड बाई द KDEL रिसेप्टर ऑफ गॉल्जी बॉडी। So this was all about this, and thank you so much.